हेलो ऑल, आज पेपर पैटर्न बताना है M1 का। देखो कैसे कैसे है, थोड़े हैंडराइटिंग में आपको क्लटरिंग लगेगा, लेकिन देखो 70 मार्क्स का है पेपर पैटर्न, 2.5 आवर का होता है। टोटल कितने हैं? 9 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन वन आएगा MCQs, जो कि 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अदर क्वेश्चन से वो 11:30, टोटल हमको 12 क्वेश्चन करना है। देखो MCQs है 10 मार्क्स है, ये 10 मिनट्स लिखा है, मतलब क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है और MCQs है उसको आपको 10 मिनट देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। बचा हुआ जो टाइम है आप बाकी को आप दे सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल है ABCDEF आएगा, ठीक है। डिपेंड करता है ये 1-1 मार्क्स है, नीचे ऊपर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के लिए मैट्रिसेस पे आएगा यूनिट 5 पे, 1 मार्क्स पे पार्शियल डिफरेंशिएशन पर आएगा यूनिट 3 पर, 2 मार्क्स के लिए यूनिट 6 होगा, 2 यूनिट 6 पर आएगा, मतलब जो कि आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर, कैल हैमिल्टन, उस पर आ सकता है। 2 मार्क्स है यूनिट 3, वही है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिस पर स्पेशली यूलर्स थ्योरम पर आ सकता है। 2 मार्क्स का है यूनिट 4 है, ठीक है, जैकोबियन वाला जो टॉपिक है उस पर आ सकता है। लैग्रेंजेस होता है, लैग्रेंजेस ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, उस पर भी पूछ सकते हैं जस्ट फॉर अ फॉर्मूला। और ये है 2 मार्क्स के लिए, ये यूनिट 5 पर आएगा मैट्रिसेस में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर जाओगे आप तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है टाइप 1 है। टोटल 17 क्वेश्चन है इन अ बुक जो हमने सॉल्व किया है, वो आप कर सकते हो। आपके पास अच्छे से टाइम है तो इनको कर ही लो, इसमें से एक पक्का आना है। यूलर थ्योरम पर रहेगा, यूलर थ्योरम मतलब x डैबा z बाई डैबा x प्लस y डैबा z बाई डैबा y इज इक्वल टू n fz अपॉन f डैश ऑफ z, वो वाला होगा या बड़ा वाला यूलर होगा, सेकेंड ऑर्डर वाला, उस पर आएगा। और ये है सब्स्टिट्यूशन टाइप, लास्ट सेकेंड टॉपिक ऑफ अ यूनिट एंड, जब यूनिट एंड हो रहा है बुक में देखोगे तो लास्ट सेकेंड टॉपिक ये वाला है, ठीक है, वो आएगा। स्पेशली ये है, देखो इस तरह आएगा f ऑफ x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, तो इस पर आपको आना है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप लोग तो वेरिएबल क्रिएटिंग कांस्टेंट वाले पर है, जो फैमिली वाले एग्जांपल रहते हैं उसी में यूलर ट्रांसफॉर्म है, यूलर थ्योरम है, मतलब उस पर ही आएगा। तो अगर आप यहाँ पर यूलर थ्योरम कर रहे हो तो यहाँ पर भी यूलर थ्योरम आपको आ सकता है, मतलब आपको प्रिपेयर हो रहा है, आई मीन टू से। टाइप 2 है एग्जाम्पल ऑन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जो कि 5 मार्क्स का है, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन है कि अभी आप देखो अच्छे से कि आपसे पढ़ाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो क्वेश्चन 2 जाओगे तो भी चलेगा, क्वेश्चन 3 जाओगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन 3 वेरिएबल ट्रेडिंग कॉन्स्टेंट में थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है तो आपका वहाँ काम हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 3 टाइप 4 है इम्प्लिसिट फंक्शन वाले एग्जाम्पल है, जो आप देखोगे जैकोबियन में, आप जब टॉपिक खोलोगे टाइप 1 है टाइप 2, टाइप 3 टाइप 4 पे इम्प्लिसिट वाला है स्पेशली, तो वो देखोगे। फंक्शनल डिपेंडेंस बहुत सही है। फंक्शनल डिपेंडेंस में फ़ायदा क्या होता है कि आपको पूछा जाता है कि फंक्शनल डिपेंडेंस है या नहीं है स्टार्ट एग्जांपल में। सो डैबा एक्स वाई बाय डैबा यू वी या डैबा यू वी बाय डैबा एक्स वाई करोगे, मतलब जो एग्जांपल जिसमें दिया है उससे आप बनाओगे जैकोबियन, तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये अंदर की बात है, ट्रिक है कि हमेशा उसका आप जो भी मॉड सॉल्व करोगे, जो भी डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, उसका आंसर 0 ही आता है। तो मान लो आपने फंक्शनल डिपेंडेंस बता दिया, 0 भी लेकर आए, तो आपको अगर 5 मार्क्स का एग्जांपल या 6 मार्क्स का एग्जांपल है तो 2 या 3 मार्क्स पक्का मिलना है, और रिलेशन को बचा हुआ मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो वो क्वाइट ईजी है और अपने हाथ का है, उसके साथ थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है आपको मैक्सिमम मिनिमम में। ये बड़े एग्जाम्पल है, टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। या आप क्वेश्चन 5 पे जाओगे, टाइप 1 टाइप 2 जे जे डैश इक्वल टू 1 वाला है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक है, लैग्रेंजेस मेथड है, ठीक है। एरर और अप्रोक्सीमेशन सिंपल है, टाइप 1 टाइप 2 वाला जो जे डैश जे जे डैश इक्वल टू 1 है वो आसान है। मेरे ख्याल से अगर जाओगे तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को आप प्रीफर करोगे, ज़्यादा अच्छा होगा और जल्दी होगा, ठीक है। इसमें देखोगे आप लोग टाइप नंबर 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 से टाइप नंबर 2 ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, जहाँ पर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना, यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो वाला बताना। लीनियर डिपेंडेंस इनडिपेंडेंस है, अगर आप ये अच्छे से कर रहे हो तो लीनियर डिपेंडेंस इनडिपेंडेंस आपको साथ में मिलता है। और अगला है ऑर्थोगोनल, ठीक है, तो ये भी इजी है, कोई ऐसा तकलीफ वाला नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन 6 को जाओगे तो आप ये टॉपिक करो, क्वेश्चन 7 पे जाओगे तो देखो होमोजीनियस है, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला है, लीनियर डिपेंडेंस इनडिपेंडेंस है वही है, मतलब जो ऊपर था वही नीचे है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर आपको थोड़ा तकलीफ होता है BEE के हिसाब से तो, या उसमें होता है हमको इक्वेशन बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उससे हमको इक्वेशन बनाना होता है, तो अगर वो आपको थोड़ा तकलीफ वाला फील हो रहा है तो वो मत आप करो, लेकिन ये वाला करो क्वेश्चन 6, तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर, स्पेशली टाइप 1 पर ही अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, तो अभी भी चांसेस है कि टाइप 1 पर ही आएगा। उतना ही करो, ज़्यादा होगा अच्छा होगा। आइजन वैल्यूज पहले बड़ा एग्जांपल कर लो, वो क्या होगा, अगर आइजन वैल्यूज पर आपका कमांड बैठ गया तो आप कैले हैमिल्टन थ्योरम आसानी से कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। और अगर ये भी आ गया तो आपको मॉडल मैट्रिक्स डायगोनलाइज वाला है, वो भी आसान है, वो सिंपल है आपके लिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को ही जाओगे मेरे ख्याल से, ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन 9 पर किसी को करना है तो आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर है, जहाँ पर टाइप 3 टाइप 4 हो सकता है, ठीक है। अंदर आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को ये पैटर्न के हिसाब से भी पढ़ाई करना है और लास्ट मोमेंट आ गया और अभी आपका एग्ज़ाम है और आपको पढ़ना है, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, APA। तो जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो आपको M1 का कोर्स देखने मिलेगा, और M1 का कोर्स देखोगे तो आपका पढ़ाई फिर से अच्छे से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे अच्छे से स्पेसिफिक एग्जांपल बोले, जो कि अभी हम लोग क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, वो क्रैश कोर्स से भी आपने पढ़ाई कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर है, जो कि टाइप 3 टाइप 4 है, कैले हैमिल्टन सेम आने वाला है और क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्वाड्रेटिक फॉर्म भी सिंपल ही है, लेकिन कैसे होता है, टाइम अगर जा रहा है ऐसा फील आता है, तो आप क्वेश्चन 8 को करो, ठीक है। अभी जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो और पढ़ना स्टार्ट ही कर रहे हो, तो सबसे पहले ना आप आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर करो। आइजन वैल्यूज आइजन वेक्टर अगर करते हो ना, तो आपका लिंक है वो कैले हैमिल्टन जल्दी हो जाएगा और मॉडल मैट्रिक्स भी जल्दी हो जाएगा, तो आपके 15 आवाज बन जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये देखोगे तो ये कम टाइम में ही हो जाता है। उसके बाद आपको पॉसिबल है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, टाइप 2 लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस और ऑर्थोगोनल वाला देखो, तो भी चलेगा। देखो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पहले मैट्रिसेस वाले टॉपिक करते हैं, लेकिन एग्जाम में यही टॉपिक नहीं बैठते, ये भी इतना ही सत्य है, ठीक है। बैठते इन द सेंस क्या होता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग कर जाते हैं, और उसके आंसर सही है या गलत है ये भी समझता नहीं, लेकिन ये अगर आप करते हो ना, तो आपके 15 मार्क्स पक्के हो रहे, जल्दी प्रिपरेशन हो रहा है मतलब, और एग्जाम में भी लिख पाओगे आप लोग। फिर आप क्वेश्चन 6 पे जाओगे, फिर आप क्वेश्चन 5 वाले को करो, टॉपिक वाइज करो, और फिर आप आखिरी में इनको हाथ लगाओ क्वेश्चन 2, ठीक है। उल्टे जाओ, और जमता है एग्जाम में उल्टे लिखो तो भी चलेगा। देखो यूनिट 6 पहले करोगे, यूनिट 5 पहले करोगे, यूनिट 4 एंड देन यूनिट 3, ऐसे जाओ तो भी चलेगा। ये जिसका अच्छा पढ़ाई हो गया ऐसा लग रहा है, तो फिर यूनिट 3 4 5 6 करो, हालांकि अटेम्प्ट तो सब कुछ करना है, ठीक है। ये 101% ट्रू पेपर पैटर्न है, ठीक है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास से हर चीज़ हो रहा है, तो ही आपको ये फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। अभी मुझे क्या बताना है कि आप टाइम कितना दोगे। कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि टाइम कैसे दे, जम नहीं रहा है, बाकी सब्जेक्ट भी है, बाकी बैकलॉग सब्जेक्ट भी है। तो देखो यूनिट नंबर अगर आप 6 पकड़ रहे हो, ठीक है, और आप 3 क्वेश्चन कर रहे हो ABC एज पर टॉपिक वाइज, ABC से टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से इसको 2 आवर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स, ठीक है। कितने एग्जांपल करने, बहुत सारे एग्जांपल नहीं करने। अगर ये पहला वाला है ना, इस पर 2 एग्जांपल करो बस, इस पर 2 एग्जांपल करो और इस पर 2 एग्जांपल करो, ठीक है। लेकिन ये करने के लिए आपको एकदम ताकत के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से बैठे हो, फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन से काम करो, तो हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट रखना है कि 2 घंटे तक आपको फ़ोन भी नहीं देखना है, जमा तो आप स्विच ऑफ कर दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये एक हुआ, तो आपका एक दिन में ये यूनिट प्रिपेयर हो रहा है, मतलब आपका 15 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। वो अगली बात है कि आप कितना लिख के आओगे और आपको कितना मिलेगा, वो अगली बात है। लेकिन अभी तो हमको आना चाहिए ना कि हमारा इतना प्रिपरेशन हो गया, इसका कॉन्फिडेंस हमें आ गया, ये चीज़ें। फिर आप यूनिट 5 को पकड़ोगे, यूनिट 5 में है ABC, यूनिट 5 क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला है ABC, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पहली बार पकड़ रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से तो भी आपको 2.5 घंटा लगना है, 2.5 आवर्स, ठीक है। सेम फंडा रखो, यहाँ पर भी आपको 2 ही एग्जांपल करना है, 2 ही एग्जांपल करना है और 2 ही एग्जांपल करना है, ठीक है। तो आपका ये प्रिपरेशन होगा 15 मार्क्स का एक साथ, ठीक है। ये हुआ, बाद में आप यूनिट 4 को लगाओगे, ठीक है। यूनिट 4 ए है, बी है, सी है, ठीक है। इसको आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा और ये आपका 3 आवर में होगा, 3 आवर्स, ठीक है। सेम आप थोड़ी यहाँ अभी बढ़ा लो जरा एग्जांपल मेरे ख्याल से, क्योंकि ये छोटे एग्जांपल हो गए, 3 एग्जांपल और ये 3 एग्जांपल, ठीक है। ये हुआ, सो आपका ये भी हो रहा है 15 मार्क्स का प्रिपरेशन। अभी कुछ लोग सोचेंगे, सर MCQs के लिए क्या करें। MCQs के लिए मेरे ख्याल से तो अभी कुछ मत करो, ठीक है। आपने ये जो 12 टॉपिक किए हैं ना,
यही फॉर्मूलेज वहाँ पर आने वाले या इन्हीं के जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं वह आने वाले, तो उसके लिए बहुत कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक, ठीक है। यूनिट 3 है, ए बी सी क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन करेंगे इसको आप बढ़ा लो मेरे ख्याल से, 3 एग्जाम्पल और 3 एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है, लास्ट मोमेंट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ये जो मैंने आपको दिया था यूनिट 3 में, आपको मैंने 17 क्वेश्चन दिए, ठीक है। 17 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब अलग अलग है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। लेकिन आप करो तो आपको थोड़ा जजमेंट आ जाएगा तो काम हो जाएगा, और ये आखिरी में करोगे ना तो ऑलमोस्ट अगर आप देखने जाओगे तो आपको 15, 30, 60, 60 और 50, 55 मार्क्स का तो ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो गया। तो यहाँ पर आपने 3 एग्जाम्पल किए तो आप एक हिसाब से जुगाड़ कर रहे हो, ये आ गया तो हो गया, गेस कर रहे हैं मतलब, ठीक है। बट ऑलमोस्ट यू हैव प्रिपेयर फॉर 55 मार्क्स, ठीक है। 55 मार्क्स आपने बहुत अच्छे से 2-2, 3-3 एग्जाम्पल सॉल्व करके किया, उसके साथ आपका 10 मार्क्स इसका हो जाता है एमसीक्यूज का, तो आपका 65 मार्क्स का प्रिपरेशन बहुत तगड़ा प्रिपरेशन हो रहा है, जेन्युइन प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। टाइम कितना लगा इसको, आपको अगर ये एक को टाइम दोगे ना तो मेरे ख्याल से 4 आवर्स तो भी आपको देना है, ठीक है। तो ओवरऑल 4 पकड़ा, पिछला वाला हमने 3 3 प्लस 2.5 प्लस 2, तो देख लो कितना हो रहा है, 7 8 9 10 11 11.5, ठीक है। सो हम लोग 12 आवर पकड़ लेते हैं इधर उधर, सो 12 घंटे में भी आपका M1 प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन आपको जेन्युइनली अच्छे से बैठना पड़ेगा। तो कुछ लोग सोचते हैं ना एक दिन में कैसे हो, तो एक दिन में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो दिन के लिए मत रुको, अभी से वो हिसाब से काम करो। मान लो अगर अभी आप एक दिन निकाल रहे हो और एक ही दिन में सब प्रिपेयर कर ले रहे हो, ठीक है, तो भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर अभी मान लो आपका एग्ज़ाम 7-8 दिन बचा है, तो अंदर एक बार रिवीजन करो और एक बार रिवीजन करो, 3 बार हो गया तो काम हो गया। और ये जो टाइम दिया है ना, ये सिर्फ देख के पढ़ना नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। जितना अच्छा लिखोगे आपका परफेक्शन उतना होगा, ठीक है। और कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।